अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा फ्रॉम माई केयर। आज जो हम रेमेडी लेके आए हैं वो है जो बार्ले पाउडर जो मार्केट में मिलता है उसको बनाने का तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ। उससे पहले जो है मैं आपको थोड़े इसके बेनिफिट्स बता दूँ कि कौन सी बीमारियों से निजात के लिए जौ का पानी इस्तेमाल किया जाता है। जौ का पानी जिस्म से फालतू और जहरीले मादों को खारिज करता है। तिली जिसको स्प्लीन कहते हैं उसके अफाल को बेहतर बनाता है और वेट को कम करने के लिए और स्पेशली सबसे ज़्यादा जिसके लिए बेनिफिट है वो है किडनी पेशेंट्स के लिए। गुर्दों के अफाल को ये ठीक करता है और जौ का पानी ब्लड प्रेशर को भी कम करता है, खून में शुगर की मकदार को कम करता है, जो लिवर में हम लोगों के जो पथरी बन जाती है स्टोन्स हो जाते हैं उसको बनने से रोकता है। जौ के पानी को रोज़ाना इस्तेमाल कैंसर के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त पैदा करता है। जौ का पानी जिस्म को ग़िज़ाएँ देता है, पेशाब और अंतड़ियों की सोजिश को ख़त्म करता है, जल्द को साफ शफाफ करता है। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, इवन किडनी पेशेंट जो हैं अगर वो इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें तो उनकी किडनी पेन जो है वो इससे बहुत ज़्यादा उनको इससे रिलीफ फील होगा। इसके बेनिफिट्स को आप इग्नोर ना करिएगा। जौ का पानी जो है चेहरे की रंगत को भी निखारते हैं और चेहरे और हाथों की झुर्रियों से महफूज रखता है। इसमें आपने लेमन आपने ऐड करना अकॉर्डिंग टू योर नीड, आपने हैफ करना फुल करना फुल करने और ऑरेंज भी ऑल इट्स ऑल अप टू यू कि आपने कितना उसमें डालना है। मैं ऑनेस्टली इसको ट्वाइस ए डे यूज़ करती हूँ इस वाटर को, क्योंकि मेरी किडनी में इशूज़ होने स्टार्ट हो गए थे देन आई लुक अप और इससे मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ फील हुआ। तो मैं आपको सिर्फ वही चीज़ें बताती हूँ जिससे सचमुच में बेनिफिट होता है। तो आपने इसको सुबह पीना है और बिफोर लाइक बेड टाइम, डिनर्स वगैरह से फ्री हो के हाफ एन आवर बिफोर बेड आप अगर इसको ले लें तो उससे आप देखिएगा कि आपको लाइक विद इन डेज रिलीफ फील होगा किडनी पेन से। आई अश्योर यू दैट बहुत बहुत ही कमाल चीज़ है ये। नो डाउट कि रसूल पाक ने हम लोगों को बताया इसका। आप इसको यूज़ करके देखें, मुझे बताएं कि आपको क्या फील हुआ है इसकी रेमेडी से। और आई रियली विश एंड आई रियली होप कि जिनको भी किडनी पेन है उन लोगों की प्रॉब्लम ये सॉल्व हो। उसमें आपने कंटिन्यूसली इसे यूज़ करना है क्योंकि किडनी के जो स्टोन्स हैं वो इसको स्लोली एंड स्टेडली ब्रेक करके तो जो यूरिन के थ्रू पास कर देगी स्टोन को ये, तो किडनी पेन से आपको रिलीफ होगी। क्योंकि किडनी सिर्फ एक बॉडी में ऐसा पार्ट है कि जो सही नहीं हो पाता उसको रिपेयर नहीं कर सकते। अगर एक बार ख़राब हो गई तो रिपेयर नहीं होता, लेकिन हम उसे मज़ीद ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ी सी भी किडनी पेन है डोंट इग्नोर दैट पेन, बॉडी के सारे पार्ट आपके रिपेयरेबल हैं अपार्ट फ्रॉम दैट किडनी। तो आप इसको मस्ट ऑफ द मस्ट आप यूज़ करके देखें एंड जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि आपको कैसी लगी ये रेमेडी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रेमेडी लेके आऊँगी। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपने कॉमेंट्स में मुझे बताएं और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें ताकि जो भी बेचारे सफ़र कर रहे हैं किडनी पेन से उनको थोड़ा रिलीफ फील हो। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।